my God! Wow! तो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है पोकेमोन एडवेंचर रेड के ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो आज हम क्या करने वाले हैं मुझे भी नहीं पता, पर आज मुझे एक बोनस चैप्टर खेलना है। फिर उस बोनस चैप्टर को शुरू करने के लिए हमें कहां पर जाना है मुझे भी नहीं पता। वेल, मैं पहले चाहता हूं कि मैं कुछ बोलूं ग्रह के साथ, क्या पता और एक बोनस चैप्टर शुरू हो जाए ग्रह के साथ बोलने की वजह से। तो लेट्स गो गाइस, लेट्स टॉक विद ग्रह। वेल, तो अगर आपको पता नहीं कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, तो हमने इसके पोकेमोन बचा लिए थे क्योंकि इसके पोकेमोन अभी भी जिंदा थे और हम माइकन आइलैंड पर गए थे जहाँ पे हमने चैलेंज किया था नए जिम लीडर को, माइकन आइलैंड के नए जिम लीडर को, और उसके पास 255 लेवल के पोकेमोन थे। वेल, वो वाला एपिसोड आप बाद में देख सकते हैं इस वाले एपिसोड के बाद। वेल, इस माउथ के साथ बोलने से भी एक चैप्टर शुरू होता है, बल्कि मैंने उस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलो ऊपर चलते हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर ट्राई करते हैं कि कोई बोनस चैप्टर शुरू होता है या नहीं। हम आई हैव जस्ट नोटिस दैट ऑल माई क्लोथ्स आर रेड। वो ये तुमने अब नोटिस किया, ये तो हम गेम की शुरुआत से ही जानते थे। वॉट द प्यूटर सिटी म्यूजियम वॉज रॉब्ड बाई क्रिमिनल्स लास्ट नाइट। प्यूटर सिटी म्यूजियम, वेल हमारा बोनस चैप्टर शुरू हो चुका है म्यूजियम हीस्ट। तो चलो चलते हैं गाइस। वेल, मैं वापस क्यों ऊपर चला गया। वेल, तो अब हमें जाना है प्यूटर सिटी, तो लेट्स गो प्यूटर सिटी में हम चलते हैं जल्दी से। प्यूटर सिटी कहाँ पर है मुझे भी नहीं पता। वेल, मैं मजाक कर रहा हूँ, तो ये रहा हमारा प्यारा दद्दू, मुझे ले चलो प्यूटर सिटी में। तो ये रही प्यूटर सिटी। क्या ब्रॉक हमसे फिर से एक बार फाइट कर सकता है? मुझे तो लग रहा है कि वो हमारे साथ फिर से एक बार फाइट करेगा। तो चलो पॉल ब्रैथ सामने आ जाओ और चलो देखते हैं कि ब्रॉक हमारे साथ फाइट करता है या नहीं। वेल, लेट्स गो पॉल ब्रैथ। पॉल ब्रैथ, यस पॉल ब्रैथ इज एक्साइटेड। तो चलो देखते हैं कि ब्रॉक हमारे साथ क्या बोलता है, मतलब कि मुझे लगता है कि उसके पोकेमोन भी बहुत तगड़े हो चुके होंगे अब तक। वेल, ये रहा ब्रॉक। लुक हु वी हैव हियर, द चैंपियन। आई हैव बीन रेडी फॉर द रीमैच। हिया, वो मैच शुरू हो चुकी है। All right, you win. I'm going to train harder. One day, in our rematch, I will defeat you, Red. Whoa, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तो चलो चलते हैं प्यूटर म्यूजियम और देखते हैं कि प्यूटर म्यूजियम में क्या है। Well, और क्या होने वाला है? सिर्फ फॉसिल्स। तो ये मैंने अपने पोकेमोन ही कर लिए है। तो चलो चलते हैं म्यूजियम और देखते हैं कि वहाँ पर कौन सी चोरी हुई है, मतलब कि फॉसिल की ही चोरी होगी ना। वेल,
इट इज़ ऑब्वियस, तो चलो चलते हैं। वेल मैं अपने एरोडैक्टाइल को सामने रख देता हूँ क्योंकि उसका लेवल बहुत कम है। वेल डायनाबाइट का भी लेवल कम है, पर मुझे डायनाबाइट का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि मुझे जल्द ही एक चार्मैंडर मिल सकता है। वेल तो चलो चलते हैं गाइस। तो ये रहा म्यूजियम, इसके अंदर देखते हैं। वेल यहाँ पर तो चोरी हुई ऐसा नहीं लग रहा है। चलो इनको पूछते हैं क्या यहाँ पर चोरी हुई। नहीं। ओके, तो चलो पूछते हैं दूसरे लोगों को। वेल तो इधर कौन है देखते हैं। आई लव लुकिंग एट फॉसिल्स, दे रिमाइंड मी ऑफ मी, आई एम प्रैक्टिकली अ लिविंग फॉसिल माई सेल्फ, यस दिस इज ट्रू। तो चलो इस आदमी से पूछते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर। वेल तो पूछते हैं इन भाई साहब से। दिस इज टेरिबल, द बर्गलर स्टोल द स्पाइन फॉसिल लास्ट नाइट, व्हाट एल्स डिड दे टेक, दैट्स द ओनली थिंग, व्हाई ओनली द स्पाइन फॉसिल Red. Blaine, how are you? I'm here doing an investigation. Someone broke into my lab a few days ago. I think they are the same culprit. What? If my theory is correct, the culprits are in the Dicolor Islands. Dicolor Islands? How do you know? Just a hunch, Red. I'm gonna need your help. With this, what do you say? I say, let's do it. Here, Red. Whoa. You will be able to travel to the Dicolor Islands with that ticket. Thank you, Blaine. तो अब हम जा सकते हैं Dicolor Islands. तो ये Dicolor Islands कहाँ पर है? Well, मेरे हिसाब से ये भी एक Orange Archipelago जैसा कुछ है. तो चलो चलते हैं Vermilion City. तो let's go, guys. तो दद्दू हमें ले चलो Vermilion City. तो चलो वर्मिलियन सिटी हम पहुंच गए हैं। अब हमें जाना है ब्लिंप पर और वहां से अब हमें जाना है Dicolor Islands क्योंकि अब हमारे पास डिकोल टिकट आ चुके हैं। वेल Dicolor Islands भी ऑरेंज आर्चिपेलागो की तरह ही है। तो चलो चलते हैं और कैप्टन ल्यूक से बोलते हैं कि अब हमें जाना है Dicolor Islands, लेट्स गो। तो ये रहे कैप्टन ल्यूक और ये भी सोच रहे होंगे कि मुझे सारे के सारे टिकट्स कहाँ से मिल रहे हैं, इसके लिए टैलेंट चाहिए, टैलेंट। तो हम पहुंच गए हैं Dicolor Islands, तो अब हमें जाना है बाहर। थैंक यू कैप्टन ल्यूक। वेल तो मैक्स पिपल यूज़ कर लेते हैं। वेल यहाँ पर तो कोई भी पोकेमॉन नहीं होगा, पर बाहर जैसे ही निकलेंगे तो हमारे पास पोकेमॉन ही पोकेमॉन होंगे, मतलब कि बहुत सारे पोकेमॉन मिलेंगे हमको। वाओ, दिस इज Dicolor Islands, इट्स अमेजिंग। द Dicolor Islands इज लाइक द ऑरेंज आर्चिपेलागो, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉलर आइलैंड्स। म्यूटू, इज समथिंग रॉन्ग म्यूटू? So your brother is here too? What? Let's go, Mewtwo. Blaine, wait up. Well, तो ये ब्लेन कहाँ पर चला गया है यार? तो चलो चलते हैं यार, देखते हैं कि यहाँ पर क्या मिलता है हमें। A sharpedo ate my girlfriend. An ankorji ate my boyfriend. Wait a minute, sharpedo और ankorji तो दोनों पोकेमॉन शार्प पोकेमॉन है ना? वेल तो चलो देखते हैं कि और क्या मिलता है, मतलब कि सबसे बात करके देखते हैं। वेल ये बुड्ढा तो हमें यहाँ से नहीं जाने देगा। वेल तो देखते हैं कि अब हमें कहाँ पर जाना है। वेल इससे बात क्यों कर रहा हूँ मैं? हेलो, वेल शायद रेड बहुत गुस्से में आ गया उससे बात करते हुए। तो चलो देखते हैं कि और क्या क्या मिलता है हमें यहाँ पे। तो ये एक ड्रैगनाइट मास्टर है, पर मेरे पास ड्रैगनाइट है ही नहीं, तो हम इसे चैलेंज कैसे करें? वेल तो बाद में मैं पॉकेटेक्स जब कंप्लीट करूँगा। वेल ऐसा तो कभी होने नहीं वाला। वेल तो चलो देखते हैं कि ऊपर कौन है। वेल ऊपर मुझे देखे कि ब्लेन है, पर मुझे बात करनी है दूसरों से। वो अलोहा, अलोला, ईव, आर यू फ्रॉम द अलोला रीजन, गो अवे, अलोहा, अलोला। वेल अलोहा और अलोला शायद से अलोहा रीजन है। वन स्विंग फ्रॉम माय निडोकिंग, ओ यहाँ पर और एक मास्टर है जो कि है निडोकिंग मास्टर, पर मेरे पास तो पोकेमॉन है ही नहीं जो कि है निडोकिंग। आई नीड द स्पेसिफिक पोकेमॉन, यस। तो चलो देखते हैं कि ब्लेन कहाँ पर है। वेल वो मुझे दिखा था, तो चलो ऊपर चलते हैं। व्हाट, टू म्यूटू? ज़ैंडर, दिस इज योर फाइनल वार्निंग, रिटर्न माय रिसर्च एंड प्री म्यूटू। A warning, huh?
You fell right into my trap, Blaine. Trap? Team Radical Rocket. Team Radical Rocket? Red, be careful. You are Red. You know Team Rocket is no more, right? But obviously, we may share the same name, but our goals are and ideals are radically different. Then why not a different name? You again? That's the Mewtwo from Orange Archipelago. Hypnosis! Capture it! Mewtwo! Man, kill him! Smoke screen! Oh no! They have escaped! That's so not radical. Team Radical Rocket. We are heading back to base. Blaine, who was he? I should have told you earlier. That was Xander. He used to be my assistant while I was still with Team Rocket. Xander has always been interested in my research on revitalizing fossil Pokemon. He showed many promises, but Giovanni... Don't worry. Anyways, he approached me a few weeks ago. He wanted me to join in on a museum heist to steal the spine fossil. I rejected him, of course. So that's when he broke into your lab? Correct. But could all this just a setup so he could get his hands on both Mewtwo? Well, let's get Mewtwo back. Blaine? You are right, Red. I used my own genetic materials to make Mewtwo. I can sense where it is. I found them. Mewtwo is on an island just east. Well, तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि Mewtwo कहाँ पर हैं. Well, तो वो यहाँ से east में हैं, जहाँ से वो दद्दू था. तो avoid this trainer. Yes, भागो यहाँ से. चलो मैं आपको डिकलोर आइलैंड्स की एक खासियत बताऊंगा. मैं फिलहाल तो मैक्सिपल यूज़ कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा. पर डिकलोर आइलैंड्स पर आप तीनों के तीनों स्टार्टर यानी कि यूनो ओरिजिन के तीनों स्टार्टर पकड़ सकते हो, मतलब कि टेपिक, ओशोवॉट और स्नाइवी. तो वेल, हमें मिल चुका है एक रेड कैंडी. यस बॉय, इसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारा पोकेमॉन लेवल अप करने के लिए. वेल, यहाँ पर तो कोई तो भी इंसान है. वेल, टीम रेडिकल रॉकेट Go build a radical world where prehistoric Pokemon will rule once again. That literally makes no sense. Are you crazy? Prehistoric Pokemon won't be able to adapt to this modern environment. They are extinct for a reason. You are one to talk. Wasn't it your research that allowed all this to happen? Ugh. Besides, we know that for the revitalization to work, we need to use genetic data from other creatures. Because of this, the prehistoric Pokemon will survive in this modern world. Am I right, Blaine? We have read your research. Your friend's Pokemon was revitalized the exact same way. My Aerodactyl? That's right, you dolt. Your Aerodactyl isn't genetically accurate. If it was, it wouldn't look anything like what it does now. I'm done talking. Move out of the way. वेल, तो हमने इसको हरा दिया है, देखते हैं कि क्या होता है अंदर. तो लेट्स गो गाइस. मूव. वाओ, तो हमने इसको भगा दिया है. तो चलो चलते हैं अंदर. वेयर आर द टू Mewtwo? दे आर इन द टू मशीन्स. वाओ, क्या कर रहा है? दोनों Mewtwo को फ्यूज कर रहा है क्या? What are you doing, Xander? You mean you don't recognize the machine? It's the fossil revitalization machine. That's right, but it's my improved version. Blaine, it's the spine fossil. Whoa!
ये क्या कर रहा है गाइस? रेड वॉच आउट, वो नॉट स्टेप क्लोजर। वेल ये कौन सा पोकेमोन है गाइस, क्या हम इसे पकड़ सकते हैं? वेल मुझे इसे नहीं पकड़ना, ये है प्रिमिसेक, तो चलो इसको हरा देते हैं। वेल शायद से रॉक स्लाइड काम कर जाए इस पर, और यस रॉक स्लाइड काम कर रहा है, तो चलो ये हार चुका है। वेल तो हमने हरा दिया है प्रिमिसेक को, वो तो शायद से ये नया पोकेमोन बना रहा है। देयर आर लॉट ऑफ देम। प्रिमिसेक इज अ प्रीहिस्टोरिक इंसेक्ट पोकेमोन, डोंट लेट देयर स्मॉल साइज ट्रिक यू, दे आर डेडली एंड पावरफुल, दे स्वर्म इट्स प्रे, स्ट्रिपिंग द फ्लेश ऑफ देयर विक्टिम अंटिल देयर इज नथिंग लेफ्ट बट बोन्स। गेस हाउ आई क्रिएटेड देम, बाय यूजिंग योर मशीन एंड द स्पाइन फॉसिल। वेल इफ दे आर इंसेक्ट्स, कम आउट मैग्मार। मैग्मार यू सेड दे आर इंसेक्ट, नो मैटर हाउ पावरफुल दे आर, ऑल इंसेक्ट्स आर अफ्रेड ऑफ फायर। You think you have bested me, child? There's a reason why I wanted both Mewtwo. These two Mewtwo will power up the device to its full power. Not only will it revitalize the fossil, but also enhance the creation. Come on, out, Genesect! That Pokemon also come from the spine fossil? Ha 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 ha! Kid, it's time I pay you back for helping me. All right, Mewtwo. Well, तो चल battle करते हैं इस Genesect Pokemon से. It's weekend. What should we do? Should we kill it now? No, नहीं हम इसे नहीं मारेंगे यार, ये भी एक जीवित पोकेमोन है तुम्हारी तरह। No, it's still a living being just like you. To think a human as pure as you exist. Perhaps I will learn a lot traveling with you. Well, तो हम इसे अपने साथ ले लेंगे। Then it's official. From now on, I'm on your command. Well, मैं इसे निकनेम नहीं दूंगा। Mewtwo is a good name. Mewtwo, you are not angry anymore. Ah! Get them off me! Get them off me! The Primisect. I'm afraid we can't do anything about it. There were a lot of them. Being insects, I'm sure they will reproduce very quickly. That's what happens when a human tries to play with God. We bring things into the world that shouldn't exist in this first place. Mewtwo and I will return to the gym. Red, take the spine fossil back to the museum. Okay. You are aware of pool, Xander. तो हम पहुंच चुके हैं Dicolor Island. चलो मैं आपको एक alternate ending दिखा देता हूँ। वेल यही थी वो अल्टरनेट एंडिंग, चलो Genesect को पकड़े अब।
तो आखिरकार अब हमारे पास दोनों पोकेमोन आ चुके हैं, जो कि है म्यूटू और जेनेसेक्ट। तो चलो देखते हैं कि म्यूटू के पास कौन से अटैक है। ये रहा म्यूटू, तो चलो देखते हैं कि इसके पास कौन से अटैक्स है। प्लीज़ मुझे निराश मत करना। वेल तो इसके पास है मिमिक, रिकवर, सेफ गार्ड और ऑरा स्पीयर। वाओ कितने अच्छे अटैक्स है ना। वाओ तो चलो चलते हैं म्यूजियम हेस्ट के बोनस चैप्टर को कंप्लीट करने, मतलब कि अब हमें वापस जाना है उस म्यूजियम में और उस स्पाइन फॉसिल को वापस दे देना है उस बंदे को, ताकि कि हम इस बोनस चैप्टर को खत्म कर सके। वेल तो चलो चलते हैं गाइस। तो अब हमें वापस कैंटो रीजन में जाना है। वेल अब हम पहुंच चुके हैं वर्मिलियन सिटी में, तो अब हमें यहां से जाना है। कहां पर जाना है आपको पता ही है, हमें जाना है अब प्यूटर सिटी में। तो लेट्स गो। तो ये है वर्मिलियन सिटी। वेल तो ये रहे दद्दू। दद्दू प्लीज़ हमें पहुंचा दो प्यूटर सिटी। वेल ये रहा प्यूटर सिटी। तो हम पहुंच चुके हैं प्यूटर सिटी में, तो अब हमें जाना है प्यूटर म्यूजियम में। तो प्यूटर म्यूजियम कहाँ है यार? ये रहा प्यूटर म्यूजियम। तो चलो इसके अंदर चलते हैं और उस बंदे से फिर से एक बार बोलते हैं और हम इस बोनस चैप्टर को कम्प्लीट कर सकते हैं। यू फाउंड द स्पाइन फॉसिल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेल तो ये वाला बोनस चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायनारा एंड बाय बाय। पिकाचू।